गाइस, वेलकम टू माय चैनल पू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? चैलेंज ये है कि पूरा जितना भी आइटम्स है उसको हम लोग सिर्फ स्टीम में पकाने वाले हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? ये चैलेंज मैंने खुद लिया है, जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के किसी ने मुझे चैलेंज दिया नहीं, फिर भी मैंने खुद से चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अलग अलग नॉन वेजिटेरियन रेसिपी हम लोग स्टीम करके ट्राई करेंगे। ओके गाइस, सो व्लॉग शुरू करने से पहले क्या हुआ, तो व्लॉग शुरू करने के पहले मैंने सोचा आपके साथ ये बात शेयर कर दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ माय ऑडियंस इज फीमेल ऑडियंस, विच आई लव। हाय बेस्टी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा और इसलिए मैंने सोचा कि चलिए शेयर कर दूं। अभी गर्मी का एकदम पीक चल रहा है, इतना ह्यूमिड है, ओ माय गॉड। सो ह्यूमिडिटी की वजह से ऑयली हो रहा है सबका स्किन। इतनी ह्यूमिडिटी में मैंने बार बार अपना फेस वॉश किया, तब जाके मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली मेरा स्किन रफ हो रहा है। सो मैं बहुत कंसर्न हो गई गाइस, और मैंने अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट है फ्रॉम क्योर स्किन ऐप, डॉक्टर निकिता, मेरे प्रॉब्लम के बारे में बताया। फ्रंट एंड साइड फेस का फोटो मैंने भेजा, तब उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए और सनस्क्रीन को यूज करिए। इंडोर्स में बैठ रहे हो फिर भी आपको ये यूज करना चाहिए। तो क्योर स्किन ऐप की वजह से मेरा इतना कन्वीनियंट हो गया, इतना गर्मी में मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। क्योर स्किन की मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है कि वो लोग आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो लोग जेन्युइनली आपके स्किन की केयर करते हैं। क्योर स्किन ऐप के थ्रू अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ चैट करती हूँ, मेरा जो कंसर्न है उसको हमेशा क्लियर कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि बाकी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि जस्ट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट जेन्युइनली आपके स्किन की भी केयर करेगा। आई एम ग्लैड कि इट्स बिन मंथ्स एंड मंथ्स आई हैव बीन यूजिंग क्योर स्किन प्रोडक्ट्स। मेरे स्किन कंसर्न को लेके, मेरे स्किन प्रॉब्लम्स को लेके वो लोग कस्टमाइज करते हैं, एक किट रेडी करते हैं जो मुझे भेजते हैं। एवरी 10-15 डेज में मेरा फॉलो अप होता है, हाउ इज योर स्किन डूइंग, प्रोडक्ट्स यूज करके आपका स्किन कैसा फील हो रहा है, और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपके स्किन में, ऐसे भी गर्मी का सीजन चल रहा है, कितना पानी पीना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या खाना है जिससे हमारा हेल्थ और स्किन बेटर हो जाएगा। सो यहाँ पे एक स्किन एनालिसिस फीचर है जहाँ पे मैं अपना फेस को एनालाइज कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बिफोर, पहले जब मैंने एनालाइज किया था मेरा स्किन पहले से और अब कितना डिफरेंस आ गया है। तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद डिफरेंस आ गया है, एंड ऑल्सो आई कैन कीप ट्रैक कि मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड बिसाइड फ्रॉम प्रोडक्ट, ये जितने फीचर्स मैंने आपको बताए हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करती हूँ कि क्योर स्किन आप जरूर ट्राई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है, एंड आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड फॉर यू। ऐसे यूजुअली मैं पहले देती थी आपको कूपन कोड, वहां में 200 रुपया ऑफ, 250 रुपीज ऑफ ऐसा मिलता था, लेकिन इस बार बहुत स्पेशल है, इस बार आपको मिलेगा 300 रुपीज ऑफ। कूपन कोड है मेरा POO300। गाइस, ये लिमिटेड ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। जल्दी से लिंक पर क्लिक करिए एंड ऐप डाउनलोड करिए। ये बेंच कैसा निकाल दिया था इसलिए, चिकन लेग पीस है, सरसों और लहसुन का पेस्ट, ये है फिश, बाहू मछली बोलते हैं यहाँ पे, बहुत हिट है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मीठी होता है ये फिश। आज को जो मैं स्टीम वाला डिश बनाने वाली हूँ उसके लिए जितना सारा सामान यहाँ पे सब रेडी है, और एक आइटम नहीं है, बहुत सारा आइटम है। ये तो बता दिया ना, कैबेज रोल्स के लिए कैबेज है, और ये है चिकन, ऐसा थोड़ा सा कट्स लगा दिया है यहाँ पे, ये देखिए, सो दैट अंदर भी अच्छे से पक जाए। तो आपको बताया था मस्टर्ड एंड गार्लिक का पेस्ट, ये है फाइनली श्रेडेड कैबेज, पत्ता गोभी बहुत मुश्किल से मिला, अभी सीजन नहीं है, माजुली में मिलना बहुत मुश्किल है, राहुल बहुत कहाँ से ढूंढ कर लाया पता नहीं। ये मैंने चिकन मिंस किया है मेरा ग्राइंडर में, जो कि मैंने अमेजोन से लिया है, वंडर शेफ ब्रांड का। एंड ये है फिश, और यहाँ पे है गाजर, अदरक अलग अलग टाइप में, अलग साइज में मैंने काट दिया, बारीक कटा हुआ प्याज, रेड चिली एंड ग्रीन चिली दोनों अलग से, और ये मैं चटनी बनाऊंगी तो ये अलग से मैंने रखा है। तो यस गाइस, लेट्स द, और भी सामान चाहिए बट वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आज का फीस्ट का तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम हम लोग तैयार करने वाले हैं चाइनीज स्टाइल स्टीम चिकन। सबसे पहले तो हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे सोया सॉस और नमक में, तो यहाँ पे मैंने डाला है सोया सॉस, उसके बाद अच्छे से उसको मसाज करना है। ये देखिए कितने अच्छे से कोट हो गया है, थोड़ा सा प्याज, सेसमी ऑयल,
ऐसे रख देते हैं फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा नमक। ग्रीन चिली मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ। अब इसको हमें स्टीमर में डालना है। मेरा प्लेट यहाँ पे आएगा कि नहीं? कि नहीं आएगा। ओह माय गॉड, क्या करेगा? मेरा जो प्लेट है यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, मेरा सबसे छोटा वाला था। मैं क्या करने वाली हूँ, इसको कढ़ाई में ट्रांसफर कर देती हूँ और इस मैं यहाँ पे लेती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आराम से। बंद होना चाहिए ढक्कन। हाँ, ये तो हवा यहाँ से निकल ही जाएगा। ये लो परफेक्ट। तो मैं थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। यार क्यों गिर रहा है ऐसा? बस केबेज रोल के लिए हम लोग फिलिंग बनाते हैं। ग्रीन चिली, अब इसको हम लोग मिक्स करते हैं। गाइस यहाँ पे मेरा चिकन अच्छे से स्टीम नहीं हो रहा था क्योंकि साइड से ढक्कन का वहाँ से स्टीम निकल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कढ़ाई फिर से चेंज करने को। मेरा कढ़ाई छोटा पड़ गया। अभी देखो मुझे परफेक्ट वाला मिल गया है। इसके अंदर डाल दिया, ये चारों तरफ से बंद है। जो भी बर्तन अब जहाँ मैं पका रहे हैं प्लेट पूरी तरह से अंदर है, और ये मेरा प्लेट जो माइक्रोवेव सेफ है तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। आप स्टील का प्लेट यूज़ कर सकते हैं, अगर घर पे स्टील प्लेट है तो स्टील भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यही यूज़ करूँगी। जो हमारा कैबेज है इसको ब्लांच करेंगे। ब्लांच बोलते हैं कि ब्लांच बोलते हैं? इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा बेंड हो रहा है। दिस इज डन। ये बात का ध्यान रखिए कि आप इसको पूरी तरह से नहीं पकाना है, आपको जस्ट इसको थोड़ा सा नचाना है पानी में, बस निकालना है उसके बाद, क्योंकि हमें जब चिकन रोल करेंगे हम लोग तब ये क्रैक नहीं होना चाहिए। बस दिस इज़ डन गाइस। अभी हम लोग बनाएंगे कैबेज रोल। तो आपको रोल कैसे करना है, सबसे पहले तो आप अपने पत्ते में फिलिंग ले लीजिए, उसके बाद दोनों पत्ते को साइड से फोल्ड करिए। मैंने पहले गलती कर दिया, डायरेक्ट फोल्ड किया। आप दोनों पत्तों को साइड से फोल्ड करिए, उसके बाद रोल करना शुरू करिए। और अगर आपको लगे कि आपका पत्ता छोटा पड़ गया है और या क्रैक हो रहा है, तो आप एक छोटा सा पत्ता लेके उसको एक रिबन की तरह बांध सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से पैक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फिलिंग लिया, दोनों साइड से फोल्ड करके नीचे तरफ से रोल किया, बट यहाँ मेरा पत्ता छोटा पड़ गया तो मैंने एक्स्ट्रा पत्ता यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे करके आप अपना कैबेज रोल बनाइए और स्टीमर में रखते जाइए। फिलिंग इतना बच गया है। ये वाला पीस राहुल का फेवरेट है, ये वाला ना, तो हम ये डालते हैं ना। ये तेल वाला है, ये दोनों को क्या में डालते हैं? नदी का मछली नहीं, ये बालू का मछली है। गाइस मैंने जो सरसों का पेस्ट बनाया था वहाँ पे ऑलरेडी मैंने नमक डाल दिया था और हल्दी डालना भूल गई थी, तो आप पहले हल्दी और नमक मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्रीन चिली, ये भी पूरा स्टीम हो जाता है, और उसके ऊपर से डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हम लोग कैबेज रोल लगा देंगे यहाँ पे, ऊपर में लगाएंगे माछेर भापा। अच्छा हो गया। वो इतना चिकन का पानी निकला है ये सब,
ये चिकन का पानी नहीं है गाइस, सो सिली ऑफ मी। जो ढक्कन के ऊपर स्टीम बनता है, आई मीन ढक्कन के अंदर जो स्टीम बनता है, वही यहाँ पर गिर के एक सूप जैसा क्रिएट करता है जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। जितना मीट था ये देखिए बोन्स से निकल गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया, बहुत गर्म है। ओह माय गॉड गाइस, लुक एट दैट। और इसका ये जो ब्रॉथ आपको दिख रहा है कितना रिच दिख रहा है। मैं फिश बॉईल करूँगी क्योंकि हम लोग बनाएंगे फिश मोमोज, तो ये एक ही पीस काफ़ी होगा आई थिंक, बहुत मीट है इसमें। कुक हो गया है, अभी हम लोग फिश मोमो के लिए फिलिंग रेडी करते हैं। जितना काटा आटा सब निकाल देते हैं। अनियंस, केबेज, कैरेट्स, रेड चिली, सॉल्ट, अभी इसको करेंगे मिक्स। सेसमी ऑयल डालने वाली हूँ। यहाँ पे मोमो बनने का प्रोसेस शुरू हो गया गाइस, हमारा फिलिंग रेडी है। अब मोमो के लिए हम लोग मैदा का छोटा छोटा रोटी बना रहे हैं, और जैसा आप फोल्ड करना चाहते हैं, जिस शेप में फोल्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है ये पोटली वाला, यही मुझे आता है और दूसरा नहीं आता, एंड आई लव इट। और बस इसको ऐसा करके स्टीम में रख देना है और आपका फिश मोमो बस कुछ मिनट्स में रेडी हो जाएगा। आपको ये चेक करते रहना है कि नीचे का पानी खत्म तो नहीं हो। पानी स्टिल देयर। ये है पेरिला का सीड, इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। जिंजर, रेड चिली, सॉल्ट, सेसमी ऑयल, सोया सॉस। ये जिंजर अनियन ऑयल एक बहुत ही टेस्टी वाला एक्स्ट्रा फ्लेवर देता है गाइस, सो यू हैव टू ऐड इट। आप इसको कैबेज रोल को इस ऑयल के बिना खाओगे तो वो आपको अधूरा लगेगा। कैबेज रोल इज डन। ये है जो मेरा पेरिला सीड का पाउडर, थोड़ा सा टोस्ट करके ग्राइंड कर दिया है। ये चाइनीज स्टाइल स्टीम चिकन है, ये केबेज रोल फिल्ड विद मिन्स चिकन एंड वेजीज। चलिए एंजॉय करते हैं। अल्टीमेटली एग्जैक्ट मोमो जैसा टेस्ट है, एग्जैक्ट लाइक मोमो, लेकिन हेल्दी है, बहुत टेस्टी लग रहा है। मोमो थोड़ा चबाना पड़ता है ना, तो पूरा मेल्ट और जूसी
मुझे मोमो से बेटर लग रहा है क्यों? बहुत जूसी है। ये कहाँ खाता है? बाहर में खाता है क्या? कोरियन चाइनीज तो खाते हैं क्या? कोरिया का तो नहीं देगा खाने वाला, चाइनीज तो खाता होगा। बाबा बाबा। और ये है फिश मोमो। अब इसको भी टेस्ट करेगा हम? या मैं पेरिला सीधा लाऊं? वाह, ये मेरे लिए चाइनीज स्टाइल स्टीम चिकन। चम्मच हटाओ। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फ्लेवर्स का, लेकिन इसका बहुत टेस्टी है। सच में नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है देवना, सच में बोलो। क्या क्या खाएगा हम? अभी से हम हफ्ते में ऐसा, जब भी मैं मछली लाऊंगा ना, ऐसे ही बनना चाहिए। अच्छा लग रहा है ना? सरसों के साथ तो मछली बनाता है ना, स्टीम किया हुआ है ना, स्टीम दे। इसीलिए डिश से इसको मैं 10 में से देना चाहूंगा 100। और मेरा एफर्ट को कितना देगा? 10 में से 200। अभी हम लोग एंजॉय करते हैं। टेस्टी, इतना टेस्टी। हो गया, वीडियो रखो ना, खाओ ना। खाएगा खाएगा।